लाला ओरिजिन एंड हम लोग को इससे सब पता चलने वाला है, तो चलो इसे रीड करते हैं। स्टोरी ऑफ हुला लाला। एक बार की बात है, हुगा लाला और हुला लाला प्रैक्टिस कर रहे थे तभी उनके बीच पर फिर अचानक से उन दोनों भाई के सामने वो एंडरमैन आ जाता है एंड वो घुर्राने लगता है और ये चीज देखकर वो दोनों भाई डर जाते हैं एंड बोलते हैं ये हमें ऐसा क्यों देख रहा है। बट जो छोटा वाला भाई था वो समझ गया था कि ये इसे मारना चाहता है एंड जिसके बाद वो दोनों भाई उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट एंडरमैन भी खच्चा खिलाड़ी नहीं था एंड वो उन दोनों को एक बार में मार देता है। दोनों के दोनों एक जगह पर एक साथ गिर जाते हैं। उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो इसे कैसे हराएं, क्योंकि वो जो एंडरमैन था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद एंडरमैन अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर से वो उन दोनों को काफी ज्यादा मारने लगता है। दोनों बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहे थे जिसके बाद एंडरमैन का ध्यान जाता है उसके छोटे वाले भाई की तरफ एंड वो उसके सीने में घूसा मारता है एंड वो खाई में गिरते गिरते बच जाता है। एंड उसकी सॉर्ड एक जगह पर पड़ी थी, वो एंडरमैन उस सॉर्ड को उठाता है एंड उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी बड़ा वाला भाई गुस्से से आता है एंड उसे पकड़कर खाई में गिर जाता है और वो इतनी तेजी से गिरते हैं उन्हें कोई भी देखता तो सिर्फ लगता कि वो दोनों सिर्फ नीचे जाकर मरने वाले हैं। एंड ये चीज छोटा वाला भाई देखता है एंड सोचता है वो दोनों तो अब मर चुके होंगे एंड जिसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो अपनी सॉर्ड उठाता है एंड अपने भाई की सॉर्ड उठाता है एंड वो घर निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी मम्मी को पता चलता है कि उसका जो बड़ा वाला भाई है वो अब नहीं रहा एंड इतना सुनते ही उसकी मम्मी जो थी वो रोने लगती है। दूसरे दिन वो जो बड़ा वाला भाई था वो अब एक जमीन के नीचे गिरा हुआ था एंड जिसके बाद धीरे धीरे उसकी आंख खुलने लगती है एंड वो खुद को पाता है कि वो ग्रास के ऊपर लेटा हुआ है एंड वो उठने लगता है। तभी उसके शोल्डर में काफी ज्यादा पेन होता है पर वो उठ के देखता है और उसे पता चलता है कि ये जगह थोड़ी सी अजीब है बट लेकिन हाँ कुछ कुछ तो अपने वर्ल्ड की जैसी है एंड जिसके बाद वो उसे एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है और वो जिसके बाद धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है। बट उसे एक अजीब सी चीज दिखती है जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ पर कुछ इंसान थे जो कि उसी तरह के तरीके से थे, कुछ पागल से थे एंड वो उसकी तरफ पड़ रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि वो उसे बस मारने के लिए आ रहे हैं एंड जिसके बाद जो हुला लाला था ना वो दूसरी तरफ जाता है एंड उसे एक महल जैसी जगह मिलती है एंड वो वहाँ पर आके थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत अजीब से मॉब्स थे बाकी सारी चीज़ें। वो जिस जगह पर गया था उस जगह का नाम था द डीमन एम्परर और यहाँ पर जो हुगा लाला था वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था कि वो एक दिन उस एंडरमैन को मारेगा कि उसके भाई को उसी एंडरमैन ने मारा था। एंड यहाँ पर जो हुला लाला था वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जो कि काफी ज्यादा अजीब सी थी, बेकवर थी एंड वहाँ पर उसे कुछ काले आदमी दिखते हैं एंड वो उसे एक गेट को गार्ड कर रहे होते हैं एंड जिसके बाद वो लोग ऑटोमेटिकली जाग जाते हैं एंड उस गेट को जैसे ही बंद करने लगते हैं एंड अपनी सॉर्ड निकालते हैं तभी जो हुला लाला था ना वो इतना ज़्यादा फास्ट था कि उसी टाइम उस गेट के अंदर वो चला जाता है। सच में उसे कुछ भी नहीं पता था इस जगह के बारे में एंड वो जैसे ही डोर्स के आगे देखता है तो उसे अजीब अजीब तरीके के लोग दिख रहे थे, कोई क्रीपर था तो कोई स्केलेटन था। बट इसे नहीं पता था कि ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो रूम था वो एक डीमन एम्परर का था और अचानक एक जगह खुलती है एंड वहाँ पर एक लाइट ऑटोमेटिकली उसके सामने आ रही थी एंड मानो ऐसा लग रहा था वो लाइट ऐसी बोल रही थी कि आओ और तुम मुझे छुओ। जैसे वो सच में उसे छू देता है वो जो लाइट थी वो उसके अंदर आ जाती है एंड वहीं से शुरुआत होती है नई शक्ति की एंड वो जो हुला लाला था वो उसके अंदर चला जाता है। के बाद एक ऐसी चीज होती है जिसे किसी को भी नहीं पता था और वो धीरे से नीचे आता है एंड अपनी आंखें खोलता है एंड उसकी आंखों में एक अलग चमक थी क्योंकि वो बन चुका था द डीमन एम्परर एंड अब उसके कब्जे में सारे के सारे मॉब थे एंड सब उसके नीचे अब काम करने वाले थे। जैसे ही वो कोई भी कमांड देता वो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे एंड यहाँ पर जो उसका छोटा भाई था हुगा लाला वो काफ़ी मेहनत कर रहा था कि जिससे वो एक दिन अपने भाई के लिए ताकतवर हो एंड बदला ले।
और ये जो डीमन एम्परर था, इसका शुरू से सपना था कि माइनक्राफ्ट की एक एक चीज पर अपना कब्जा रखे, एंड इसके पास इसकी एक जादुई सॉर्ड थी जिससे उसको बहुत ज्यादा पावर मिलती थी, एंड वो सारी की सारी मॉब्स को भेज देता है पूरे माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड की तबाही मचाने के लिए। एंड सबसे पहले उसने भेजा था अपने वर्ल्ड के उस विलेज में जहाँ पर वो पैदा हुआ था, एंड वो आज इतना बड़ा हुआ था। वहाँ के लोगों को ऐसे मार रहा था जैसे उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स ना हो, एंड वहाँ के लोग तड़पते तड़पते मरते जा रहे थे, एंड वो सारे के सारे जितने मॉब थे उसके अंडर में थे, वशीकरण में थे, वो सारे के सारे उसी की बात माने जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि वो मॉब भी यही चाहते हैं जो कि अब द डीमन एम्परर चाहता है। वो वहाँ के सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, जिसके बाद वो पूरा विलेज शमशान में बदल जाता है। और जैसे ही ये बात उसके बड़े भाई को पता लगती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, एंड वो एंडरमैन बोलता है बाय बाय, एंड जिसके बाद और वो ठान लेता है मैं जब तक एंडरमैन को नहीं मारूंगा तब तक मेरे भाई का बदला पूरा नहीं होगा, एंड वो जाता है अपने भाई का पूरा आर्मर एंड एट ऑल सब कुछ ले लेता है, एंड वो उसके बाद निकल पड़ता है अपनी मॉम की खोज पर। और वो जो डीमन एम्परर था वो अपने एक थ्रोन में बैठा था, एंड वहाँ पर वो एंडरमैन उसकी मॉम को लेकर आ जाता है, क्योंकि एंडरमैन को उसी ने आदेश दिया था कि उसकी मॉम को वो लेकर आ जाए। उसकी मॉम को पता नहीं था कि ये डीमन एम्परर है, और वो समझ लेती है कि ये उसका वही बेटा है हूला लाला। कि मॉम को क्या पता था कि ये हूला लाला नहीं, ये कोई और ही है। और उसके बाद बदले की आग में होगा लाला निकल जाता है एंडरमैन को खोजने और खात्मा करके अपनी मॉम को वापस से रेस्क्यू करने का। एंड उसी टाइम जो डीमन एम्परर था उसे पता चल जाता है कि मुझे मारने के लिए कोई ना कोई तो आ रहा है। फिर वो अपना डीमन आर्मर पहन लेता है एंड रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। फाइनली जो होगा लाला था वो पहुंच गया था उस जगह पर, एंड उसे सामने तीन मॉब दिखते हैं जहां पर उसका सामना होता है उन ज़ॉम्बीज से जो कि पहली बार आए हुए थे। बट वो अपने भाई की सॉर्ड उठाता है एंड एक बार में तीनों को मार डालता है, क्योंकि अब होगा लाला इतना ज़्यादा स्किल्ड था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। और अब होगा लाला इतना ज्यादा स्किल्ड था उससे कोई भी नहीं जीत सकता था। वो उस गेट के एंट्रेंस में आ जाता है जहाँ लिखा था डीमन एम्परर, और वो समझ जाता है ये कोई आम सी जगह तो नहीं है। एंड जैसे ही वो अंदर जाता है उसका सामना होता है विदर स्केलेटन से, जिसके बाद वो अपनी सॉर्ड से उन दोनों विदर स्केलेटन को ठिकाने लगा देता है। एंड जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वो देख रहा होता है अपने बड़े भाई को, बट वो समझ नहीं पाता कि मेरा बड़ा भाई है, उसे लगता है ये यहाँ का एम्परर है। और उसी टाइम पर एंडरमैन उसे मारने आ जाता है, खुद को बचाता है एंड देखने लगता है एंडरमैन को, बट वो एक सेकंड के लिए गायब होता है एंड पीछे से मारने की कोशिश करता है। एंड वो एंडरमैन उसे शुरू में तो हरा ले रहा था, बट जब उसका छोटा वाला भाई उस याद आती है उसकी पुरानी फाइट, एंडरमैन टेलीपोर्ट होकर सबको मारता है, तो वो उसी तरीके से अपनी सॉर्ड पीछे घुमाता है एंड एंडरमैन को मार देता है। एंड जिसके बाद जो होगा लाला था उसे इतना तो पता चल चुका था, डीमन एम्परर को पता चल चुका था कि ये कोई आम बंदा तो नहीं है, थ्रेट खत्म करने के लिए बढ़ता है एम्परर को। तभी उसकी माँ बताती है कि ये तुम्हारा वही भाई है जो बिछड़ गया था। वो उसी टाइम जो डीमन एम्परर था वो अपनी सॉर्ड चार्ज करता है एंड अपना फेस दिखाता है, और उसे भी पता चल जाता है उसके छोटे भाई को कि ये सच में मेरा बड़ा भाई है। एंड वो जो डीमन एम्परर था उसके ऊपर अटैक करता है शुरू में, बट वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। एंड वो लोग लड़ते लड़ते तेरे को घायल कर रहे थे, तभी नीचे जमीन फटती है एंड दोनों के दोनों उस जमीन के नीचे चले जाते हैं। जो हूला लाला था डीमन एम्परर बन चुका था, उसकी आधी शक्तियां होगा लाला के अंदर आ जाती है एंड वो लावा में गिरने की वजह से काले हो जाते हैं, और उनकी आंखों का कलर वाइट से रेड हो जाता है एंड पर्पल से पिंक हो जाता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये थी इसकी रियल स्टोरी। और ये जो बुक थी इसके लास्ट पेज में लिखा हुआ था हूला लाला एंड होगा लाला है, उन दोनों के पास इक्वल पावर है, और उन दोनों को जड़ से मारना होगा ना तो किसी बेडरॉक के केज में एंड वाली जगह पर जहाँ पर एंड के लोग हैं, स्मार्टी बाई भाई को उन्हें वहां से छुड़वाना है एंड वो लोग इसका पता बताएंगे
जहाँ पर दोनों हुगा लाला एंड हुला लाला की हार्ट्स हैं एंड स्मार्टी भाई भाई को उनकी हार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बाद हुगा लाला एंड हुला लाला मर जाएंगे। ये चीज एंड डायमेंशन में ही हो सकती है या फिर लैंड में, एंड जो उनके रूम के नीचे विलेजर था वो भी वैसे ही अनलॉक होगा जैसे ही एंड के लोग छूट जाएंगे। और ये सीरीज ना सच में कॉम्प्लिकेटेड है। अब मुझे रियल सच्चाई पता चली कि जो हुगा लाला एंड हुला लाला है ना, इस रूम से स्मार्टी भाई भाई को बहुत ज्यादा दूर रख रहे थे, क्योंकि अगर उन्हें हुला लाला और हुगा लाला का ओरिजिन पता चल गया ना तो गड़बड़ हो सकती है।